तो भाई साहब ये देखिएगा, यहाँ पर और एक प्रॉब्लम दिक्कत हो चुका है। जैसा मेरा पीछे आप लोग देख रहे हैं, देखो ये गड्ढा यहाँ पर जो हर रोज़ हमारे बिदर में काम चल रहा है, ओके, उसकी वजह से या उन लोग सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है बोल के, बट अच्छा से ज़्यादा ना तकलीफ़ भी हो रहा है इससे। बहुत सारा धूल डस्ट हो रहा है, रोड भी ख़राब हो रहा है, और उसके बाद जो है ना ये अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम बना रहे हैं ना, तो फिलअप भी अच्छे से नहीं कर रहे। तो उसकी वजह से मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ कितना हैवी लॉस हो रहा है इन ट्रक ड्राइवरों को, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। सो फर्स्ट देखिएगा वहाँ पर वो पिट्स खोदते हैं, फिर उसके बाद उसको फिलअप भी नहीं करते हैं, तो उससे कॉमन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा है, और यूज़ जो ट्रक ड्राइवर्स रहते हैं या फिर ओनर्स रहते हैं उनको भी बहुत लॉस हो रहा है। सो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लेट से, और वो ट्रक ड्राइवर से भी मिलाता हूँ। देखिएगा आपको यहाँ से उतना क्लियर तो नहीं दिख रहा है, बट आपको दिखाऊँगा फर्स्ट। सो ये कैसा होता है, इसका मैक्सिमम बहुत हैवी टन, कितना टन का होगा भैया ये टोटल? एक 40-50 टन तो होगा ना, तो उसकी वजह से वो सस्टेन नहीं करता है, ओके। जो बैक फिलिंग करते हैं नॉर्मल बैक फिलिंग, वो सस्टेन नहीं कर रहा है, उसकी वजह से जो है ना यहाँ ये देखिए सीवेज जो मैन होल हो मैन पॉट बनाने के लिए खोदते हैं, चल ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा हो रहा है हमारे बिदर डेवलपमेंट हो रहा है, बट डेवलप हो रहा है ठीक है, बट प्रॉब्लम देखो यार, उसको बैक फिलिंग भी अच्छी तरीके से करना ना वो नहीं किए। तो आई रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे इस बिदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से, प्लीज़ आप अच्छा सा कर लीजिएगा, इसका थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो एक्सीडेंट कॉमन लोगों का ही एक्सीडेंट होता। आप अच्छे किसके लिए बना रहे हैं? कॉमन लोगों के लिए बना रहे हैं, फिर कॉमन लोग अगर इंजरी हो गए तो उनको दिक्कत हो जाता है ना। उधर आगे चल रहा है उधर बैक फिलिंग का काम, अभी JCB भी है वहाँ पर। यहाँ देखो उधर से दिखाता हूँ आप लोगों को, पूरा टायर ऊपर उठा है इसका, यहाँ देखिएगा अगर और थोड़ा अगर लोड ये हुआ ना पूरा पलट जाने का मैक्सिमम चांसेस रहता है इसका। तो यहाँ पर देखिए भैया लोग फिर भाई इसको दूसरे इसमें शिफ्ट कर रहे हैं। इसका एक टायर तो हवा में ही है, बहुत दुख होता है यार जब ये हमारे मैं खुद एक कंस्ट्रक्शन फील्ड में एज ए सिविल इंजीनियर, और कोई हमारा इस फील्ड का एक ट्रक का ऐसा मिले तो वो काफ़ी हमको भी फील होता है, ओके। तो गिरते गिरते बच रहा है कभी, सामने का टायर इधर क्या नाश्ते के लिए रुके थे क्या? नाश्ते के लिए रुके थे, अब आप लोग किसको कंप्लेंट देना वो भी ये नहीं होता, देखो ऐसे छे अगर आप कंप्लेंट देने गए तो वो लोग बोलते हैं हैवी लोड है अब अलाउ नहीं है, वो सब मजबूरी रहता अब, हाँ इसलिए अब फिर आप कुछ उल्टा उन लोग ये करते, सही है ठीक है दोस्तों। ऐसा तो देखो मजबूरी है इनका भी, अब इन्हें कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो ट्रैफिक वाले फिर अलग अलग रूल्स निकालते हैं, ऐसा है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। इन लोगों का ट्रैफिक रूल्स कैसा है बोलो, तुम हगने को ना सुबह ही जाना उसके बाद नहीं जा सकते, ऐसा हो गया, हगने को सुबह ही जाना
और इन लोगों का जो 8 to 8 PM से लेके 8 AM तक कुछ रूल्स है देखो, वो मतलब हुआ। अब बीच बीच में किसको तो आता ना यार, खाना खाने के बाद थोड़ा हगने को भी जाते हैं ना दोपहर में भी शाम में भी। अब किसी का डायरिया रहता, कुछ ना कुछ होते था, डिसेंट्री होता, तो ऐसे ही अब इन लोगों को अब इन्होंने कंप्लेंट दिया तो फिर इनके ऊपर ही फिर उल्टा ऑब्जेक्शन करते हैं, तो ऐसा है दिक्कत इन लोगों का भी। चलो मैं किसका भी ये नहीं कर रहा हूँ, बट प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन से बस वही एक रिक्वेस्ट है, दैट्स इट, थैंक यू। और आपको दिखाता हूँ वहाँ पर खुदाई भी चल रहा है, देखो खोदने का काम तो बहुत ज़ोरों से चल रहा है। उधर उन्हें बैक फिलिंग कर रहा, इन्हें इधर खोदता, उधर उन्हें बैक फिलिंग करता, चले जाता, खत्म, हेच होता। फिर उसके बाद इसके ऊपर से ट्रक आता और वो ट्रक जो है इसके अंदर धस जाता। इन्हें मट्टी निकाल रहा, उन्हें मट्टी डाल दे रहा, रोज काम हो रहे यहाँ। देखो यार जाकू मार्केट डाल को आया, फिर भी अभी भी यहाँ पे काम देखो अभी इधर ही अटका हुआ है। जाके मार्केट डाल दिया और मार्केट का फीस ले को आया। आप इन बिचारों का देखो ऐसा ही है, ईटों का गाड़ी था। फिर वो दूसरा छोटा ट्रक में लोड कर ले रहे हैं, यहाँ से अनलोड करके मिनी ट्रक में लोड कर ले रहे हैं, उसको निकालने के लिए आ रहे हैं।